अब की बार के रेस्क्यू में हमारा आमना सामना हुआ एक ऐसे पिटबुल से जिसका इस्तेमाल डॉग फाइटिंग के लिए किया गया था। गैर कानूनी होने के बावजूद डॉग फाइट्स का सिलसिला हमारे देश में अभी जारी है। ब्लडी डॉग फाइट ट्रेडिशन, इट्स शॉकिंगली इलीगल। डॉग्स आर मेड टू फाइट ईच अदर। डॉग फाइट्स के लिए जबरन अग्रेसिव किए हुए डॉग्स कब आप पे हमला करते हैं ये भांपना थोड़ा मुश्किल होता है, और इसीलिए हम बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। इन डॉग फाइट्स में जो डॉग हारते हैं वो तो मर ही जाते हैं, पर जो डॉग जीत भी जाते हैं जब वो कमजोर हो जाते हैं तो उन्हें भी सड़क पे फेंक दिया जाता है। तो जब ऐसे ही एक डॉग को हम रेस्क्यू करने गए तो मन में एक घबराहट सी थी कि वो हमें देख के कैसे रिएक्ट करेगा, हम उसे कैसे पकड़ेंगे, कैसे केज में डालेंगे। अब ऐसा होता है ना कि भाई अगर आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़ा रहा हो और अब आप बेशक उस लड़ाई से बाहर आ भी गए हों, पर वो लड़ाई हमेशा आपके अंदर रहती है और कभी भी बाहर आ सकती है। जब हम मौके पे पहुंचे तो गाड़ी के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच एक दुबला पतला सा पिटबुल बैठा था। हमें देख के वो अचानक उठा और फिर थोड़ा सा घूम फिर के खुद ही हमारे केज में आके बैठ गया। अपने क्लिनिक पे लाके जब हमने उसको ठीक से जांचा तो हमने देखा कि उसके शरीर पे बड़े सारे छोटे छोटे अजीब से धब्बे हैं। ये धब्बे एक स्किन इन्फेक्शन की वजह से हुए थे जिसका इलाज तभी मुमकिन था जब उसके शरीर में थोड़ी जान आए। अब जिसको बहुत समय से खाना ना मिला हो उसको आप एक ही दम से बहुत सारा खाना नहीं दे सकते क्योंकि उसका शरीर खाने को पचा नहीं पाएगा। तो हमने धीरे धीरे उसकी डाइट बढ़ाई और जब उसके शरीर में थोड़ी जान आने लगी तो उसके इन्फेक्शन का इलाज शुरू किया। अब समय के साथ साथ वो थोड़ा तंदुरुस्त होना शुरू हुआ, उसकी स्किन भी ठीक होना शुरू हो गई और हमने उसका नाम रखा बॉस। ट्रीटमेंट्स के अलावा भी जब भी डॉक्टर गुलशन को मौका मिलता तो वो बॉस के साथ थोड़ा समय बिताते थे, पर अधिकांश समय बॉस अपने केनल में अकेला ही था और आते जाते विजिटर्स को देखता रहता था। इसी तरह करीब एक महीना निकल गया और बॉस पूरी तरह ठीक हो गया। फिर फार्म पे एक दिन एक वॉलंटियर आए श्रीश। श्रीश को बॉस में और बॉस को श्रीश में एक दोस्त दिखा। श्रीश ने बॉस को फॉस्टर करना शुरू कर दिया और फिर क्या था, बॉस की लाइफ हो गई एकदम सेट। पर जितनी तेजी से बॉस की खुशी का ग्राफ बढ़ा था उतनी ही तेजी से फिर गिरा भी, क्योंकि कुछ समय बाद श्रीश को वापस घर जाना पड़ा और बॉस को वापस अपने केनल में। और उस केनल से वो तभी बाहर निकलता था जब गौरव उसे घुमाने लेके जाता था। पर गौरव उसे सिर्फ घुमाता नहीं था, तसल्ली भी देता था कि भाई तू थोड़ा और धैर्य रख, ये भी दिन कट जाएंगे। पर एक दिन एक व्यक्ति बॉस की कहानी सुन के खास बॉस को ही अडॉप्ट करने आए, तो हमें लगा बॉस को एक घर और बॉस की कहानी को एक हैप्पी एंडिंग मिल गया। फाइनली इसको घर मिल गया। गौरव भाई आपका तो फेवरेट था, आपको कैसा लग रहा है? अब मैं दूसरा कोई डॉग कोई देखता हूं कोई। गाड़ी के अंदर बांधना पड़ेगा। नहीं नहीं बैठ जा, बैठ जा, बाय बॉस। लेकिन हमारी खुशी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी। आसपास के लोगों ने घर वालों को बहुत ही ज्यादा डरा दिया ना, कहते दिल्ली में अटैक कर दिया। मैंने कहा ये तो भोंक भी नहीं रहा। ये सिलसिला करीब 6 महीने चला। इस दौरान फार्म पे कुछ लोग डॉग्स भी अडॉप्ट करने आए, पर कोई भी बॉस को अडॉप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि बॉस एक पिटबुल है। अब चाहे हमने इसका नाम बॉस रखा था, पर बॉस आज दिन तक बिल्कुल डिमांडिंग नहीं था। पर अब दो बारी परिवार पा के और परिवार खो के अब बॉस प्यार की डिमांड करने लगा था। क्या हुआ? तो बॉस की खुशी में हम खुश थे और बॉस के दुख में दुखी। अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो गया। बॉस का केनल में रहना, रोज घूमने जाना, किसी वॉलेंटियर के आने पे ज्यादा घूमना फिरना, और हमारा उसको और खुद को ये तसल्ली देना कि बस कुछ दिन और। इन्हीं दिनों बॉस को लेने अब की बार एक यंग सा लड़का आया। अब वो तो बॉस को अपने साथ पहले ही दिन ले जाना चाहता था, पर हमने उसको कहा कि भाई वो कुछ दिन आए, बॉस के साथ घुले मिले, उसको समझे, और जब उसे यकीन हो कि बॉस उसके परिवार में फिट हो जाएगा तभी उसको लेके जाए। तो वो हर दिन आता था, बॉस को घुमाता था, उसे खिलाता था, उसके साथ खेलता था और फिर चला जाता था। अब बॉस और वो लड़का तो पहले ही दिन से एक दूसरे के साथ रहने को तैयार थे। जब एक हफ्ते बाद हमें यकीन हो गया कि इस फैसले का आधार सिर्फ प्यार ही नहीं समझ भी है, तो हमने भी इस रिश्ते को मंजूरी दे दी।
तो हमने बड़ी धूमधाम से बॉस की विदाई करी और उसको उसके नए घर तक छोड़ के भी आए। और इस जश्न में शामिल होने श्रीश भी आया। अब बॉस के यहाँ के दोस्त उसको थोड़ा मिस तो कर रहे थे, पर ओवरऑल हम सभी बॉस की नई जिंदगी के लिए खुश भी थे और एक्साइटेड भी। पर है क्या कि हम में से कईयों की किस्मत में ना एक ही कहानी को कई बार दोहराना लिखा होता है। जो आसपड़ोस सभी मना कर रहे हैं कि यही रखना अपने से। आप और मैं तो खुद को याद दिला सकते हैं ना कि जीवन में जैसे पहले मुसीबतें आके टली, ये भी दिन कट जाएंगे। लेकिन एक जानवर जिसने पैदा होने से आज तक सिर्फ कष्ट ही कष्ट देखे, जो सिर्फ ठुकराया ही गया हो, वो किस भरोसे अपने दिन काटता। अब बॉस की हालत ऐसी हो गई थी कि हमें लगता था कि कहीं वो हार्ट ब्रेक से ही ना मर जाए। लेकिन फिर बॉस को लेने आया कोई ऐसा जिसके ना हमें फैसले पे शक था ना हौसले पे। बॉस फाइनली घर जा रहा है, और घर नहीं, आर्मी कैंपस में जा रहा है। ये देश की सेवा करेगा। एक दो या पांच लोग नहीं, वहाँ पे जितने लोग होंगे वहाँ पे ओपन ही रहेगा। थैंक यू जा रहा है बॉस। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होगा ही होगा, पर हाँ अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा होने का चांस जरूर बढ़ जाता है।